चलिए अब मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी है सिम्फनी की, बातचीत करते हैं उनसे। और सिम्फनी की मैनेजमेंट से हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि सिम्फनी की अगर आप स्टॉक के प्राइस परफॉर्मेंस देखें, आज करीब करीब आधा परसेंट ही काउंटर पर कारवा कर रहा है। एक बार आप इसके 6 month चार्ट को देखिए, एक बार आप इसके ईयरली चार्ट को देखिए, क्या शानदार प्राइस परफॉर्मेंस रही। ऑल द वे फ्रॉम 555 इन मार्च, इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 990। हमारे साथ मिस्टर अंचल बाकरी मौजूद हैं सीएमडी सिम्फनी के बातचीत करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए। आपसे हमने बातचीत इसलिए आज करना चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट आपके कंपनी में है उनका विश्वास बढ़े आपकी तरफ से। मैं जानना चाहता हूं सर कि एग्जैक्टली ये जो बीता क्वार्टर रहा वो कैसा रहा, और साथ ही साथ आने वाले दो क्वार्टर्स जो हैं वो कैसे रहेंगे, और मार्जिन पिक्चर क्या लग रही है सर आपको कि क्या बहुत शानदार रहेगी इस समर सीजन में, आपको क्या लगता है? नहीं, काफी अच्छे रहेंगे। अभी तक भी हमारे हमारे जुलाई टू जून ईयर है, तो मार्च तक के जो 3 quarters खत्म हो गए उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये फाइनेंशियल उनमें जब खत्म होगा ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। तो ओवरऑल ये सीजन भी अच्छी रही, ऑल्दो नॉर्थ इंडिया में थोड़ी इरेटिक, ओवरऑल फॉर सिम्फनी सीजन हैज बीन वेरी गुड। सर एयर कूलर कारोबार जो है इस, और मार्जिन की अगर बात, जी प्लीज सर कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ जी, और मार्जिन्स भी हम मेंटेन कर सकेंगे, जो हमारे अभी तक फर्स्ट 3 quarters के जो मार्जिन्स रहे हैं मार्जिन कंटिन्यू रहेगा फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इस बार वॉल्यूम्स कैसे रहे, क्योंकि वाकई अगर आप देखें, एक तो सिम्फनी के साथ सबसे अच्छी बात यह रही है कि आप हर सीजन में जो आपके प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट लॉन्चेस की दर है वो काफी अच्छी खासी है, तो उस पर जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है और वॉल्यूम्स की पिक्चर कैसी रही इस क्वार्टर में आपकी? देखिए हमारा ये है कि मार्केट को स्टडी करना, मार्केट की लेटेंट या आर्टिकुलेटेड नीड्स क्या है वो समझना, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स हमको क्रिएट करने हैं। तो कंस्टेंटली हम इनोवेट रहते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जाते हैं, इसी वजह से हमारे वॉल्यूम्स हर साल बढ़ते हैं, और क्योंकि हम मार्केट की हर एक नीड को समझते हैं और हर एक नीड के लिए हम प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। जी साथ ही सर को अगर एक्सपेंशन की बात करें, प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें, क्या इस तरह की भी कोई योजना है कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड? आई एम सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। मैं दीपाली का प्रश्न सर ये है कि एग्जैक्टली अगर आप देखें आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स क्या क्या हैं, अभी जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट कितना है, और आगे जाके अगर आप देखें आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर क्या योजना है? ओके, फिलहाल हमारी जो कैपेसिटी है वो उसका करीब 50% जितना ही यूटिलाइजेशन है, तो वैसे कोई एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, मगर हम जरूर मॉडल प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से हमारी कैपेसिटी एक्सपेंड आप होती जाती है, और ये भी होता रहेगा तो ये बात हमेशा चलती ही रहेगी। ये हमारा 26 साल का इतिहास भी ऐसा रहा है, और आने वाले 26 साल के फ्यूचर में भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। कंपनी में हम समझते हैं कि हमारा काम है मार्केटिंग एंड ये दो पे हम फोकस करते हैं, बाकी की जो सब चीजें हैं उसको हम कॉस्ट समझते हैं। यही दो चीज है जो बिजनेस का क्या कहते हैं रीजन टू एग्जिस्ट है, और इसको हम पूरी तरह से समझते हैं, और हम ये हमेशा करते रहते हैं। तो हमारे पास आइडियाज हमारी कंपनी में काफी है, जो फ्यूचर आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे पास इनफ क्या कहते हैं एम्यूनिशन है कि हमें आगे ले जाएगा, और हमारा जो पिछला अभी तक का जो ग्रोथ रहा है वो ग्रोथ हम कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये भी बात है कि एक्चुअली इंडिया इज अ वेरी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट। आज अगर कूलर्स हैं, एसीज हैं, ये सब की जो कंजम्पशन है या पेनिट्रेशन है इंडिया में सिंगल डिजिट में है, तो जैसे तरक्की बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो होगी, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ेंगे, तो ये इसका पेनिट्रेशन बढ़ ही सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम जो करते हैं कुछ स्पेक्टेक्युलर नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं, मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, और मार्केट है इतनी बड़ी है जी, मिस बाकी आपको एडवांटेज मिल रहा है। आखिरी प्रश्न बहुत संक्षेप में इसका उत्तर चाहूंगा सर कि
नेक्स्ट टू क्वार्टर्स में आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कितना इजाफा देख रहे हैं आप, इस पर आपकी थोड़ी सी राय चाहूंगा। आखिरी प्रश्न आपसे, प्लीज संक्षेप में जवाब दीजिए इसका। वैसे देखिए, वैसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में नहीं देना चाहता हूं, मगर इतना मैं जनरली कहूंगा कि जो हमारा हिस्टोरिकल सीएजीआर रहा है वो फ्यूचर में आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। कई बार कोई क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, कई बार कोई एक दो साल आगे पीछे हो सकते हैं, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे अगले पांच साल का, तो हमारे पिछले पांच साल का जो रेट रहा है, सीएजीआर रहा है, वो आप फ्यूचर के पांच साल के लिए एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सीधे रुख कर लेते हैं जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर का।